बिल्कुल, बट कितनी आपके ऊपर, कितना क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर इन टोटल, अगर मैं टीम की बात करूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा सर विव रिचर्ड्स का इस वक्त जो है, वो पिछले सीज़न भी साथ नहीं थे, इस वक्त भी वो साथ नहीं हैं, कोविड इशूज़, करोना इशूज़, हिज ट्रैवलिंग इशूज़, कितना ज़्यादा एक वेकेंट एक चीज़ होती है, क्योंकि जिस तरह वो मोटिवेट करते थे टीम को, जिस तरह वो खुश होते थे, जिस तरह वो ड्रेसिंग रूम में तालियां मारते हुए दिखते थे, वो चीज़ें सब हम तो एज व्यूअर बहुत मिस करते हैं, आप लोग विद इन टीम कितना मिस करते हैं? अरे नेचुरली पिछले सीज़न ऐसे ही हुआ कि विव की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है, जो हमारा एक डगआउट पे एक एटमॉस्फेयर होता है वो एक टोटली डिफरेंट होता है विव की अपीयरेंस की वजह से, और वो जिस तरह मोटिवेट करते हैं, जो उनके बॉडी जेस्चर्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, यू नो, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लाइक ये वाली क्रिकेट जो आजकल हम खेलते हैं, ये तो 40 साल पहले उन्होंने खेली भी है, यू नो, तो इस पर तो कोई दूसरी राय है नहीं, बट एट द सेम टाइम उन तमाम चीज़ों को रखते हुए मद्देनज़र, जो जेस्चर्स होते हैं ना विफ के, जो जिस तरह मोटिवेट करता है, सिंपल बात करता है, और हमेशा उसका एक ही जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि टीम का, कि अगर दूसरे कम्पीट कर सकते हैं तो आप भी कम्पीट कर सकते हैं, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो है हमारी टीम बेहतर परफॉर्मेंस देती रही है प्रीवियसली। उम्मीद करता हूँ इस साल कोविड ज़रूर है, लेकिन कुछ चल रही है बातचीत विफ से, हो सकता है कि वो हमें इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लें। उनके आने से नेचुरली एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है डगआउट का हमारे, एक अलग मोटिवेशन मिलती है, नॉट ओनली मी के मुझे, सरफराज को, पूरी टीम के लिए वो एक इंस्पिरेशनल फिगर होते हैं हमारी, तो नेचुरली ऐसे आइकॉनिक प्लेयर्स, यू नो, उनकी प्रेजेंस हमेशा जूनियर्स के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी साबित होती है।